अल्लाहु अकबर। आज वक्त ये आ गया कि यजीद को बचाते बचाते ये ही भी इसलिए कि यजीद तो न कल इस्लाम से ताल्लुक रखता था ना आज न सुबह कयामत तक उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक होगा, मगर जो उसके साथ खड़ा होगा, जो उसका हमरा बनकर खड़ा होगा, वो भी उसी के साथ उसी के हजर में होगा, उसका भी हजर वही किया जाएगा। अल्लाह अकबर। ईमान आज मकाम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के इस सफर को लोगों ने झूठा साबित करना चाहा। माँ फिर याद हजरत रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के पास पहुंची ना सैयदना इमाम अहमद रजा का मुहद्दिस बरेली रजी अल्लाह ने कलम उठाया और आपने तहकीक की और तहकीक के बाद आपने तहकीक की जुमला ये इरशाद फरमाया, सुनो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला मदीने पाक से निकले और वो आप मुझे इजाजत दे मैं करबला आपको कैद में दिया गया, उसके बाद बड़ी आप पर अगला अल्लाह अकबर। अब फिर उसके बाद आप दोनों शहजादों को भी गिरफ्तार किया गया और उनको भी शहीद कर दिया गया। वो कद पहुंचाने का हुक्म था मुस्लिम बिन अपनी तरफ अल्लाह तआला ने वो कद किसी के जरिए से आपने इमाम तक पहुंचाना चाहा, आपका जाम लोग कर चुके। अब कत नाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु